सर ऑन कैंपस क्लास हो रही है आपकी? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, आपकी ऑन कैंपस क्लास हो रही है ऑन कैंपस क्लास मींस ये यूनिवर्सिटी थ्योरी ऑफ में? हाँ ऑटोमेटा की या कोई और क्लास? जी, थ्री ऑफ ऑटोमेटा की मैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की ऑनलाइन क्लास होगी ना, टोटली ऑनलाइन है ये वाला कोर्स, तो टोटल इसलिए ऑनलाइन। हाँ टोटल ऑनलाइन कोर्स है। और अगर आपकी कोई क्यूरी है, आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं किसी और सब्जेक्ट के लिए, तो आप मेरा ऑफिस है 504 में, तो आप वहां पे आ सकते हैं, अपनी क्यूरी पोस्ट कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। चलिए सर, हमें पता नहीं था कि ऑनलाइन है कि नहीं। मैं अभी क्लास में बैठा हूँ, यहाँ पे आपकी क्लास होनी थी, वो टाइम टेबल पे भी लिखा हुआ है। नहीं, दिस इज टोटली ऑनलाइन कोर्स, क्लास में ओके नहीं। ओके ओके। सो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। माय नेम इज असद रजा उफानी। And if you want to know anything about me, you can ask me any question. I will answer your query. Have you any question about me जो कि आप जानना चाहते हैं? नो सर, ओके, अपना तारुफ अभी करा दो। अपना तारुफ करवा दूं? तारुफ मैंने अभी करवाया आपको। माई नेम इज असद रजा उस्मानी और मैंने PUCIT से एम फिल किया हुआ है, और मेरा CGPA 3.57 था एम फिल में। BS भी मैंने उससे पहले PUCIT से किया, उसमें मेरा CGPA था 3.15। और उसके बाद मेरा इंडस्ट्री का और रिसर्च का अराउंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है। उसके बाद 3 साल मुझे यहाँ पे होने वाले हैं, 3 साल के हो गए हैं यहाँ पे, कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। तो 7 फेब 2018 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो 1 माह ऊपर हो गया 3 साल से। तो ये वाला कोर्स जो है, ये मैं पिछले सेमेस्टर में मैंने ये वाला कोर्स, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स टोटल ऑनलाइन मैंने पढ़ाया था, टीच किया था, ठीक है। सो उसके जो लेक्चर नोट्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं वो लेक्चर नोट्स जो हैं वो आपके साथ उनके लिंक्स शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑनलाइन भी वो चीज़ कोर्स जो है वो विजिबल हो आपके लिए, ठीक है। तो आप मतलब पहले से ही आप लेक्चर जो है वो देख के आ सकते हैं, और फिर हम यहाँ पे जब हम इन पर्सन या ऑनलाइन क्लास करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा, ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होगी। तो आज मैं सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे चलते हैं। आपको पेंट स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ग्रेडिंग क्राइटेरिया जो है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके जो क्विजीज हैं, जो कि एक असेसमेंट है, ठीक है, इसके अलावा असाइनमेंट्स हैं आपकी, जो कि इस कोर्स की असेसमेंट्स का पार्ट है, ठीक है। नंबर वन, नंबर टू, नंबर सर एक क्वेश्चन था थ्री। मेरा जी पूछे। सर, हमारे जो एग्जाम्स होंगे वो भी ऑनलाइन होंगे इसके? एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपका कोर्स टोटल ऑनलाइन है, तो आपका जो कोर्स है वो टोटली ऑनलाइन है। मिड टर्म तक ऑनलाइन, फाइनल का कुछ कहा नहीं जैसा, लेकिन फाइनल भी आपका ऑनलाइन होगा, टोटल में आपका ऑनलाइन कोर्स होगा, ठीक है। तो योर कोर्स इज थैंक टोटली टोटली ऑनलाइन। हर चीज आपकी ऑनलाइन होगी, कोई भी चीज आपकी इन पर्सन नहीं होगी, ठीक है, ना ही कोई अपनी हार्ड कॉपी, हार्ड फॉर्म में कोई चीज सबमिट करवानी होगी। आपके क्विजेज भी ऑनलाइन होंगे, आपकी असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड चीज है वो है मिड टर्म। फोर्थ जो है उसमें यह है कि आपको एक फाइनली फाइनल प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, प्रोजेक्ट होगा इसमें। और इसके बाद पांचवी चीज है वो फाइनल्स हैं। तो नॉर्मली जो क्विजेस की रेशियो है, ठीक है, वो समझ लें 20% है, असाइनमेंट्स जो हैं 10%, मिड टर्म 25%, प्रोजेक्ट
10%, फाइनल 35%। तो ये आपके 100 मार्क्स जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करें तो 60 आता है। तो आपके जो एग्ज़ाम्स की वेटेज है वो 60% है, ठीक है। और आपकी जो अदर असेसमेंट्स हैं, दिस दिस एंड दिस, उनकी जो वेटेज है वो 40% है, ठीक है। तो अदर असेसमेंट्स की वेटेज 40% है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, उसकी वेटेज जो है वो 60% है। ओके, सो नॉर्मली जो मैं क्विज कंडक्ट करता हूँ वो नॉर्मली मैं क्विज कंडक्ट करता हूँ, मैं क्विज कंडक्ट लूंगा आपके बेस्ट बेस्ट फाइव, ठीक है। बेस्ट फाइव क्विज मैं लूंगा आपके। अब अगर आप फोर क्विज मुझे देते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि आज मैंने क्विज लेना है, तो स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर आज मूड नहीं है अगली क्लास में। मैंने कहता हूँ ठीक है आप अगली क्लास में दे दीजिएगा। उससे ये होता है कि आपके क्विज नंबर ऑफ क्विज कम होंगे। अगर आप चार क्विज देंगे तो चारों के चारों ही कंसिडर होंगे, क्योंकि बेस्ट फाइव का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आप फाइव क्विज देंगे तो फाइव ही एप्लीकेबल होंगे, पांचों के पांचों कंसिडर होंगे। लेकिन अगर आप सिक्स देंगे तो आपको एक की छूट मिल जाएगी। तो बेस्ट फाइव में से आपको जो भी एक, अगर किसी का मिस हुआ है या किसी के मार्क्स कम आए हैं उसमें से, तो वो आउट हो जाएगा। अगर आप सेवन देते हैं तब भी आपके बेस्ट फाइव कंसिडर होंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप चार क्विज देते हैं, ठीक है, पांच क्विज देते हैं, छह देते हैं या सात देते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप क्विज देंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, बेस्ट फाइव के फॉर्मूला में आपको फायदा होगा, ठीक है। असाइनमेंट्स के केस में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो सम का फॉर्मूला है, कि जितनी भी असाइनमेंट्स लेंगी ली जाएंगी वो सारी की सारी कंसिडर होंगी। तो नॉर्मली जो असाइनमेंट्स होती है वो फोर होती हैं, तो फोर असाइनमेंट्स जो हैं, फोर टू फाइव असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी। तो नॉर्मली असाइनमेंट्स में वो फोर है, फाइव क्विजेज, फोर असाइनमेंट्स, एक मिड टर्म, एक प्रोजेक्ट और एक फाइनल। तो ये जो असेसमेंट्स टोटल बनती हैं वो तकरीबन 12 के करीब असेसमेंट्स बनती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो कोर्स है वो मैं लेके चलूंगा, ठीक है। तो इज इट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ सर। अच्छा, तो इसमें जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट होगा वो आपको मिड टर्म के बाद में दिया जाएगा, मतलब मिड टर्म से पहले कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा, मिड टर्म के बाद प्रोजेक्ट होगा। उस वक्त तक हम काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स जो हैं वो क्लियर कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, तो उसमें से ही आपको आपको चॉइस दे दी जाएगी कि अपनी अपनी चॉइस का टॉपिक चूज करें और उसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग टाइप या इस तरह की कोई चीज़ इंप्लीमेंट करके लेके आएँ, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे मिड टर्म के बाद। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो टोटल 100% है वो इस तरह से डिवाइड होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, सो ये इस कोर्स का नेम क्या है, इस कोर्स का नेम क्या सर? थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, थ्योरी, थ्योरी से क्या मतलब मुराद होता है? थ्योरी का बताया आपको, थ्योरी क्या होती है? किसी को नहीं पता थ्योरी क्या होती है? पार्क स्टडीज थ्योरी का, थ्योरी का कोर्स है, प्रोग्रामिंग का कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है। थ्योरी का, थ्योरी का सर, थ्योरी बेसिकली वही होती है सर जो टेक्स्ट फॉर्म में हो, मतलब जिसमें कोई लॉजिक वगैरह ना हो, वो सर थ्योरी होती है। सही है। तो एक आंसर आया, याकूब ने आंसर किया कि थ्योरी जो है ना वो एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि रीडेबल होती है, ठीक है, उसमें लॉजिक वगैरह नहीं होती। कोई और आंसर करना चाहता है? बस ऐसे ही आंसर कर दें, कोई इतना इशू नहीं है। नजरिए को भी कहते हैं। नजरिए को, नजरिए को कहते हैं थ्योरी। इसके अलावा ओके, तो सर कुछ सब्जेक्ट एक्सप्लेन अगर करना हो के बारे में तो फिर उसके ऊपर थ्योरी होती है, कुछ अगर समझाना हो ऑब्जेक्टिव। सही सर, तो थ्योरी होता है कि समथिंग जो कि आपने कोई भी लैब वर्क जो है, लैब वर्क वो नहीं करना, कोई भी प्रोग्रामिंग या इससे रेलेवेंट टास्क जो है, अगर हम कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करें, सीएस के पर्सपेक्टिव से बात करें,
तो आपको किसी लैब की जरूरत नहीं है, ठीक है, और आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है, किसी भी गैजेट की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड का मतलब ये है कि ये कोर्स जो है इसमें आपके पास पेपर होना चाहिए और पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है, और बुक होनी चाहिए। तो आपने बुक को रीड करना है, पेपर पेंसिल यूज करनी है, ठीक है, और इसमें लॉजिक हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या लॉजिक के लिए पेपर लॉजिक पेपर पे ड्रॉ की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? सर ड्रॉ की जा सकती है, की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला आंसर आया था वो गलत हो गया याकूब का, कि उन्होंने कहा था कि लॉजिक जो है वो नहीं होगी। तो लॉजिक जो है वो पेपर पे ड्रा जिससे डिस्क्रीट मैथ आपने पढ़ा हुआ कोर्स, ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथ में लॉजिक थी कि नहीं थी? सर थी। तो जब डिस्क्रीट मैथ में लॉजिक थी, क्या इसमें आपने लैब की है? लैब नहीं की आपने, ठीक है, तो जी क्या आपको किसी कंप्यूटर मशीन की जरूरत पड़ी है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? आपने हो सकता है कि सर ने कोई असाइनमेंट दे दी, कोई एल्गोरिथम दे दिया जाके इसको इंप्लीमेंट करके लेके आए, लेकिन आप स्टिल वो एल्गोरिथम जो है वो बिना कंप्यूटर यूज किए हुए पेपर पे आप उसकी लॉजिक ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने कोई फ्लो चार्ट बनाना है फ्लो चार्ट बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो आपने कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, इफ देन एल्स और इस तरह की बहुत सारी ऑपरेटर्स, बाई कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, इस तरह की लॉजिक आपने तो डिस्कस की है, तो लॉजिक के पार्ट हैं वो सारे के सारे ऑपरेटर्स, ठीक है। तो थ्योरी में लॉजिक होती है, लेकिन थ्योरी का मतलब ये होता है कि समथिंग वी वांट टू डिस्कस, जो कि जिसको हम सिर्फ डिफाइन करेंगे, ठीक है, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, किस चीज को डिफाइन करेंगे? ऑटोमेटा को। ऑटोमेटा क्या होता है? ऑटोमेटन का वर्ड जो है, ऑटोमेटा का जो वर्ड है वो ऑटोमेटन से लिखा है, ऑटोमेटन। ऑटोमेटन का मतलब होता है मशीन, ठीक है, जो ऑटोमेटा है, ऑटोमेटा का जो वर्ड है ये इसका प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है ऑटोमेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मशीन, ठीक है, नंबर ऑफ ज्यादा मशीन, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का क्या मतलब हुआ फिर, कि हम इसमें थ्योरी ऑफ मशीन को डिस्कस करेंगे। तो मशीन तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि कार भी एक मशीन है, ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फ्रिज भी एक मशीन है, ठीक है, घर में बहुत सारी मशीन पड़ी होती हैं, ठीक है, तो ओवन भी एक मशीन है, नंबर ऑफ मशीन्स है, तो नंबर ऑफ मशीन्स है हमारे पास। तो ये थ्योरी ऑफ मशीन, ये क्या हम वो सारी की सारी मशीन डिस्कस करने जा रहे हैं? क्या हम ओवन को डिस्कस करने जा रहे हैं? क्या हम कार को डिस्कस करने जा रहे हैं? ठीक है, क्या हम इस तरह से फ्रिज को डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, तो क्या हम ये करने जा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे जो मशीन का वर्ड है वो स्पेसिफिकली यूज किया गया है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे? थ्योरी ऑफ कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर्स की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि जिसने भी कंप्यूटर पहले बनाया होगा, पहला कंप्यूटर जो है, ठीक है, आपको बता दूं कि पहला कंप्यूटर दुनिया में वो आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में बना था, आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां पे एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया था सबसे पहला कंप्यूटर, ठीक है। तो क्या उसने पहले दिन ही कंप्यूटर बना लिया होगा? क्या किया होगा उसने आपके ख्याल में? उसने जब कंप्यूटर बनाया होगा क्या किया होगा? सर उसने पहले प्रैक्टिकल वर्क किया होगा इस चीज पे, उसको टाइम लगा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसने क्या प्रैक्टिकल वर्क किया होगा उसने? सर यही के वो सिस्टम के वो ये सारी चीजें पहले उसकी लॉजिक ड्रा की होगी, फिर लॉजिक ड्रा की होगी, सबसे पहले उसने लॉजिक ड्रा की होगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसने कहा होगा कि अच्छा मैंने ना
ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो टू प्लस फाइव, इसको मैंने प्लस करना है और आंसर जो है वो सेवन लेके आना है कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। तो उसने सबसे पहले सोचा होगा कि अच्छा टू को पहले बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो टू जो है वो बाइनरी फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, फाइव जो है वो बाइनरी फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे इन दोनों का एंड और जो भी करेंगे इसको इसको हम करके, मतलब इसको टूज कम्प्लीमेंट लेना है या वंस कम्प्लीमेंट लेना है, उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है इसका सेवन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये उसने इस तरह से लॉजिक बनाई, तो ये सारा पेपर वर्क है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब ये है कि जब कंप्यूटर्स जो हैं वो अभी फिजिकली नहीं बने थे, ठीक है, तो उस वक्त जो कंप्यूटर्स को बनाने की जो थ्योरी है, जो मॉडल्स हैं, ठीक है, उनको हमने डिस्कस करना है। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का मतलब ये है कि इस कोर्स में हमने क्या करना है, इसमें हमने डिस्कस करना है डिफरेंट मॉडल्स को, और कौन से मॉडल्स होंगे, कंप्यूटेशनल मॉडल्स होंगे, वी वांट टू डिस्कस अबाउट कंप्यूटेशनल मॉडल्स, ठीक है। कंप्यूटेशनल मॉडल्स का मतलब ये है कि इस कोर्स में हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में हमने कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है कंप्यूटेशनल मॉडल्स को, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है और इनको डिफाइन करना है। सबसे पहले इनको डिफाइन करना है कि कंप्यूटेशनल मॉडल है क्या, उसको डिफाइन करना है, और फिर इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है, अगर हम उसको उसकी डेफिनेशन को अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा डील्स विथ द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ various computational models, तो theory of automata क्या है, theory of automata deals with the definitions and properties or characteristics of various computational models, तो ये है theory of automata की definitions। तो theory of automata में हमने करना ये है कि हमने different computational models को discuss करना है, ठीक है, उनको deal करना है, और उनको डिस्कस करके हमने क्या करना है, उनको डिफाइन करना है नंबर वन, ठीक है, उनको डिफाइन करना है और उनकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो इस पूरे कोर्स में हमने कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डिस्कस करना है। तो कौन कौन से कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं जो कि हमने इस पूरे कोर्स में डिस्कस करने हैं, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल पहला मॉडल है रेगुलर एक्सप्रेशन, आरई जिसको हम कहते हैं, ये एक कंप्यूटेशनल मॉडल है। ये सारे के सारे जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये सारे के सारे कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं। तो आप मुझे बताएं कि आरई के बारे में हम क्या करेंगे इस कोर्स में, ये कंप्यूटेशनल मॉडल है, इसको क्या करेंगे हम, सर इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे। और अब्दुल्ला नी, अबू बकर, फैसल सरवर, हमजा मसूद, से इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर डिफाइन करेंगे। एग्जैक्टली सर, तो हमजा मसूद ने आंसर सही किया है कि इसमें हमने इसके इसको डिफाइन करना है। सबसे पहले अगर ये कंप्यूटेशनल मॉडल है, जिस तरह से हमने बात की थी कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा डील्स विद द डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स, तो वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स में से एक कंप्यूटेशनल मॉडल है आरई, रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको हमने करना है डिफाइन। सबसे पहले हमने इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने का क्या मतलब होता है, डिफाइन मतलब होता है कि इसकी तारीफ करें, इसका बताएं कि ये होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली आरई इज, ठीक है। तो आरई जो है वो क्या होता है, इसको डिफाइन करना है, इसको बताना है कि ये आरई होता है, ठीक है, ये मॉडल जो है
इसका मतलब ये है, ये इस तरह से बनता है, तो इसको पहले हमने डिफाइन करना है, फिर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कहाँ पे ये मॉडल एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्या इसमें क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है इसके, ठीक है। तो ये पहला मॉडल है। दूसरा जो इसमें मॉडल होगा वो होगा DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट का वर्ड आपको पता है, फाइनाइट का वर्ड क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट का नहीं पता आपको? सर महदूद होता है फाइनाइट, जिसको फाइनाइट जो महदूद होता है, जो फाइनाइट हो सकता है सर, इसको कहते हैं काउंटेबल, इसका दूसरा नाम है काउंटेबल। और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल। यस एग्जैक्टली सर। आप मुझे ये बताएं कि गंदम के दाने काउंटेबल है या गैलेक्सीज जो है वो काउंटेबल है? गैलेक्सीज नो सर, ठीक है ओके। और एक नंबर है, या मैं इसको कहता हूँ 2^1001, क्या मैं कहता हूँ कि 0 से लेकर आपने इस तक काउंटिंग करनी है, ये काउंटेबल है? यस सर काउंटेबल है। यस ये काउंटेबल है, तो ये एक फाइनाइट नंबर है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब फिर क्या हुआ बताएं जरा, फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब क्या हुआ सर? यानी जो कंप्यूटेशनल मॉडल्स जिसे हम मतलब स्टडी कर सकते हैं कंप्लीटली? नहीं नहीं, आप पहले ये बताएं कि फाइनाइट का मतलब आपने बता दिया काउंटेबल है, ऑटोमेटा का मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटा का मतलब क्या है? मशीन होता है ना जो कंप्यूटर, मशीन कंप्यूटेशनल मशीन, इन दोनों को मिला के फिर क्या होगा? काउंटर मशीन। काउंटर मशीन नहीं, काउंटेबल, काउंटेबल मशीन, काउंटेबल ही है सर, काउंटेबल ही है, काउंटेबल मशीन्स। काउंटेबल मशीन्स का मतलब क्या हुआ कि इतनी मशीन जो कि काउंटेबल हैं, लिमिटेड है, जिनको गिना जा सके, लिमिटेड, ठीक है, फाइनाइट मशीन्स, ठीक है। तो इस वाले डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में, इस मॉडल में हम, कंप्यूटेशनल मॉडल में हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इसको डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनिस्टिक का वर्ड जो है वो मैं आपको उसको बताने के लिए कि अगर एक पाथ है, आप किसी जगह पे जाते हो, वहां पे एक आता है आपके पास आगे एक दो डायरेक्शन आ जाती हैं, ये ए डायरेक्शन है या बी डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर तो आप, आपको नहीं पता, आप इस तरफ से आ रहे हो, आपको नहीं पता ए की तरफ जाना है या बी की तरफ जाना है, ठीक है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक समझने एक चीज है कि आपको पता नहीं है कि आप डिटर्मिन नहीं कर सकते कि आपने इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आप इस डायरेक्शन, सी डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है, और आगे आपने जिस पाथ पे जाना है, जिस मंजिल पे आपने जाना है, वो ए की तरफ है, तो आप यहाँ पे आएंगे, सी से आएंगे और फिर आप ए की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने ए की तरफ मुड़ना है, तो आप ए की तरफ चले गए। दिस इज समथिंग डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है यू हैव अ क्लियर पाथ, ठीक है, कि आपको एक क्लियर डायरेक्शन का पता है कि आपने किस तरफ जाना है, देयर इज नो एम्बिग्विटी, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने ए की तरफ जाना है या बी की तरफ जाना है, देयर इज एम्बिग्विटी, उसका मतलब होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम क्लियर पाथ विद क्लियर पाथ लिमिटेड मशीन्स के थ्रू, ठीक है, हम एक मॉडल डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह विल डिस्कस लेटर ऑन। तो ये एक मॉडल है जो कि हम डिस्कस करेंगे, ये मॉडल नंबर 2 है, ठीक है। तो एक मॉडल नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है, मॉडल नंबर 3 हमारे पास है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये थर्ड मॉडल है, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे CFG। इसमें कुछ और मॉडल्स भी हैं जो कि इनके इक्विवेलेंट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनके मैं नाम एज इट ऐसा नहीं लिख रहा यहाँ पे, क्योंकि हम मैं
एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, हाई लेवल पे आपको बता रहा हूँ कि हम क्या डिस्कस करेंगे। उसको हम एक मॉडल डिस्कस करेंगे जिसको हम कहेंगे सीएफजी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उसके बाद एक मॉडल हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहेंगे पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, यहाँ पे एक और मॉडल है एफए विद आउटपुट, एफए विद आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक सिक्स नंबर मॉडल है। उसके बाद एक मॉडल डिस्कस करेंगे जिसको हम कहेंगे ट्यूरिंग मशीन। तो ये सात, इस पूरे कोर्स में हमने ये छह सात मॉडल्स डिस्कस करने हैं। क्या डिस्कस करना है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में? ये कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं। इनको कंप्यूटेशनल मॉडल्स क्यों कहते हैं? अच्छा, पहले आप ये बताएं कि मॉडल क्या होता है, ये भी हम इसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने चार पांच छह सात मॉडल्स लिख दिए। तो इस पूरे के पूरे कोर्स में हमने ये कंप्यूटेशनल मॉडल्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। क्या डिस्कस करना है इनका? उनको डिफाइन करना है, हर एक को डिफाइन करना है कि इसकी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एंड सो ऑन। और फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपने इस कोर्स में क्या करना है। मैं अटेंडेंस मार्क कर लूं। अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल्ला नीक, अटेंडेंस सॉरी। अबू बकर प्रेजेंट सर। अहमद सुल्तान प्रेजेंट। अहमद सुल्तान, सलमान, अहमद फयाज, अब्दुल्ला नीक प्रेजेंट, फैसल सरवर, हमजा मसूद हमजा शकील, खुरम दिलदार, माजेब, मलाइका अजीज, मुईज मुईज इमरान, मोहम्मद अरसलान प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है, तो अब मैं बाकी अटेंडेंस बाद में मार्क करता हूँ। ओके, तो बात हो रही थी कंप्यूटेशनल मॉडल्स की के कौन कौन से आ रही, रेगुलर एक्सप्रेशन, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा, एफए विद आउटपुट, ट्यूरिंग मशीन। ये छह सात कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं। ये हमने इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है। ठीक है, इनको डिफाइन करना है, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या हुआ फिर? अब्दुल्ला अनिक बताएंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन, फिर मैं इनकी अटेंडेंस मार्क करता हूँ। जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अनिक, अब्दुल्ला अनिक प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट ही है। कौन बताएगा? फैसल सर्वर बताएंगे। फैसल सर्वर आप बताएंगे डेफिनेशन क्या है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की। फैसल सर्वर नहीं है, फैसल सर्वर की ऑप्शन लगा दी। अबू बकर बताएंगे। फैसल सर्वर का माइक सही नहीं चल रहा सर, मैं बताऊं? आप किधर गए थे सर? वो इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से। इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तुम्हारी नीयतें जो है ना वो प्रॉब्लम कर रही हैं। बताओ। नहीं नहीं सर, बताओ सर। इट इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स एंड ऑटोमेटा। नहीं, आप लेक्चर, आप मेरा लेक्चर नहीं ले रहे थे। ठीक है सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी आ रही है। हेलो सर। जी जी बताएं। आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके,
ओके तो कौन बताएगा इसकी डेफिनेशन? हमजा मसूद बताएंगे, कौन बताएगा? सर थ्योरी ऑफ सर मशीन्स और कंप्यूटर पढ़ेंगे। हाँ तो ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा डील्स विद द डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स। ठीक है, तो वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स मैंने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अब बात करते हैं कि कंप्यूटेशनल मॉडल होता क्या। ठीक है, सबसे पहले ये बताएं कि मशीन क्या होती है। किसी को कोई आइडिया माइंड में आता है कि मशीन क्या होती है? व्हाट इज अ मशीन? फॉरगेट अबाउट कि आपने कोई बुक पढ़ी है या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अपनी तरफ से तुक्का मार दें कि मशीन होती क्या है आपके ख्याल में, क्या मशीन होती है? जो काम आसान कर दे इंसान का वो मशीन है। ओके सर, मशीन वो टाइम सेव कर दे, वो मशीन वो होती है जो हमारा। हाँ जी, हाँ जी बताएं सर। मशीन वो होती है जो हमारा काम आसान कर लेती है डेली का। तो बिल्कुल सही है, किसी टास्क पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो एब्सोल्युटली राइट। मशीन इज एनीथिंग, मशीन इज एनीथिंग विच डू अ यूजफुल वर्क फॉर अस, जो ज्यादा काम थोड़े टाइम में कर सके और जो थके नहीं। मशीन इज एनीथिंग which do a useful work for us, ठीक है? वो एक मशीन है। मशीन इज एन ऑटोमेटिक, मशीन इज एनीथिंग विच मशीन इज एनी ऑटोमेटिक थिंग, ठीक है, विच डू अ यूजफुल वर्क फॉर अस, उसको हम मशीन कहेंगे। जरूरी नहीं है कि वो तेज काम करे, जो आहिस्ता काम करती है वो भी मशीन ही होती है। ठीक है, लेकिन वो अगर ऑटोमेटिक वो काम करना चाहिए, उसमें ये नहीं है कि मैं अगर कोई की प्रेस कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं कोई की प्रेस करता हूँ मशीन के ऊपर, कंप्यूटर की बात करें, उसके अगेंस्ट अगर कोई काम हो जाता है, ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं की प्रेस करता हूँ और पाँच सेकंड का काम हो जाता है, तो वो एक मशीन है, वो मेरे लिए यूजफुल काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जो मैंने पाँच सेकेंड खुद से वेस्ट करने थे वो ऑटोमेटिकली मशीन कर रही है। तो अगर वो चाहे, अगर एक मशीन जो है वो एक काम जो है वो 10 सेकंड में करती है और दूसरी मशीन एक काम जो है वो 60 सेकंड में करती है, ठीक है, तो ये फास्टर है, ये स्लोअर है, लेकिन हैं दोनों मशीन, ये भी यूजफुल काम कर रही है और ये भी यूजफुल काम कर रही है। ठीक है, तो ये एवरीथिंग विच कैन डू अ यूजफुल वर्क फॉर अस, उसको हम मशीन कहेंगे। तो मशीन का आपको बदल गया, मशीन क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटेशनल मॉडल्स की। कंप्यूटेशनल मॉडल का मतलब ये होता है कि एनी मॉडल, ठीक है, जो कि कंप्यूटर का मॉडल होगा उसको कंप्यूटेशनल मॉडल कहेंगे। मॉडल को अभी डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं कि मॉडल क्या होता है, लेकिन जो भी मॉडल होगा वो कंप्यूटर का मॉडल होगा। कंप्यूटर का मॉडल का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम जी सर, बताएं क्या होता है? किसी प्रोग्राम या किसी चीज के स्टेप्स डिफाइन कर दिए जाते हैं ताकि वो आसानी से हो जाए, फिर वही फॉलो की जाए। बिल्कुल, तो बेसिकली एल्गोरिथम जो है वो सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जिनको हम फॉलो करते हुए अपना एक टास्क कंप्लीट करते हैं, वो यूजफुल टास्क जो है उसको कंप्लीट करते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स हैं, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, हम बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि जितने भी हम ये देखना चाह रहे हैं, ये कोर्स पढ़ के हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से प्रॉब्लम जो हैं वो कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं, कौन से प्रॉब्लम कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकते। तो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स के पढ़ने का वो ये है कि बताया जा सके कि कौन सा प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर पे सॉल्व हो सकता है, कौन सा प्रॉब्लम कंप्यूटर पे सॉल्व नहीं हो सकता। आपके ख्याल में क्या दुनिया के सारे प्रॉब्लम कंप्यूटर पे सॉल्व हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है सॉर्टिंग एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो नंबर्स जो है वो उनका ऑर्डर नहीं होता कोई, उसको हमने ऑर्डर में लेके आना है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो,
तो हमें ये वाली आउटपुट चाहिए कुछ इस तरह से, हमारी इनपुट ये है, हमारी आउटपुट ये है। तो ये एक प्रॉब्लम है सॉर्टिंग, इसको कहते हैं, ठीक है। क्या सॉर्टिंग जो है वो कंप्यूटर पे की जा सकती है, कंप्यूटर से सॉल्व की जा सकता है ये प्रॉब्लम? जी सर। यस यस, ये आपने किया है। तो इस तरह से क्या दुनिया के हर प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं? नो सर। कोई एक प्रॉब्लम जो आपके माइंड में आता हो कि नहीं कर सकता कंप्यूटर? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया मैंने। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे? यस सर। ये एक मल्टी वेरिएबल इक्वेशन है, ठीक है, मल्टी वेरिएबल इक्वेशन है। इसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए एक्स वाई और जी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इनको कहते हैं रूट्स ऑफ एक्स वाई जी। एक्स वाई जी की क्या वैल्यूज हों, ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यूज पुट करें कि इस इक्वेशन का आंसर जीरो आए, ठीक है। तो ये एक मल्टी वेरिएबल पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल को, पोलिनोमियल में हमने इनपुट देना है ये इक्वेशन इनपुट देनी है, ठीक है, और हमें वो बता दे आंसर में एक्स वाई जी की वैल्यूज, एक्स वाई जी की ऐसी वैल्यूज बताए जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइबल हो। मतलब यहाँ पे वैल्यू वाई की पुट करें, जी की पुट करें, वाई की पुट करें, एक्स की पुट करें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करें, यहाँ वाई की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें, तो आंसर जीरो आए। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कंप्यूटर से अभी तक सॉल्वेबल नहीं हुआ, ठीक है। अब कैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कंप्यूटर के लिए सॉल्वेबल है या कंप्यूटर के लिए सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। उसका सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर किसी प्रॉब्लम के लिए आप एल्गोरिथम बना सकते हैं, एल्गो बना सकते हैं, अगर एल्गो एग्जिस्ट करता है किसी प्रॉब्लम के लिए तो वो सॉल्वेबल है, वो कंप्यूटर से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप एल्गोरिथम नहीं बना पाते उस प्रॉब्लम के लिए तो नो अनसॉल्वेबल होगा, ठीक है, समझ आ गई है? Yes, क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने सर? अगर किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बना सकते हैं तो वो सॉल्वेबल है, अगर किसी का एल्गोरिथम नहीं बना सकते तो वो कंप्यूटर से सॉल्वेबल नहीं है। ओके, गुड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने अब प्रॉब्लम्स का बताना है, उन प्रॉब्लम्स का बताना है, ठीक है, कि किन के लिए हम एल्गोरिथम बना सकते हैं, किन के लिए हम एल्गोरिथम नहीं बना सकते, ठीक है, जिनके लिए हम एल्गोरिथम नहीं बना सकते, तो उन प्रॉब्लम्स का हमने बताना है। तो वो कैसे बताएंगे हम, वो हम कंप्यूटर्स की थ्योरी को डिस्कस करके बताएंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर ऐसे वर्क करता है, तो ऐसे वर्क करता है, उसमें ये लिमिटेशंस हैं, उसमें मेमोरी की लिमिटेशन है, उसमें स्पीड की लिमिटेशन है, तो लिहाजा वो प्रोग्राम जो है ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तो हमने वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो देर आर वेरियस मॉडल्स, कंप्यूटेशनल मॉडल्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ मॉडल, मॉडल होता क्या, आपके ख्याल में मॉडल क्या होता है? मॉडल ये क्या है, ये क्या है? मॉडल नमूना। हाँ जी, नमूना। ये बड़ा अच्छा इन्होंने बात की, नमूना उर्दू में बताया इन्होंने। तो जरूरी नहीं है कि आपने कोई इंग्लिश में कोई ऐसी चीज बतानी है जो कि मैं बड़ा इंप्रेस हो जाऊंगा इंग्लिश के वर्ड सुन के। असल में हमारी जो मदर टोंग है वो उर्दू या पंजाबी है, तो हमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो उर्दू में आते हैं या पंजाबी में आते हैं जो कि इंग्लिश में नहीं आते हैं उनके इक्विवेलेंट, और हम परेशान हो जाते हैं। तो हम उसकी मैपिंग नहीं कर पाते अपने माइंड में, तो हमारा माइंड जो है वो मॉडल का वर्ड देख के कुछ समझ नहीं पाता कि मॉडल पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने नमूना का बात किया तो हमारे माइंड में एक शेप क्रिएट हो गई कि अच्छा ये जो ऐसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो मॉडल जो है या नमूना जो है ये बेसिकली क्या होता है, इसका दूसरा मतलब आप खाका भी कह सकते हैं, खाका, ठीक है जी सर, खाका। तो ये एक और वर्ड भी है, तो इससे आपके माइंड में एक चीज आ जाती है कि इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का आपको पता है एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन अगर आपको मैं कहूं कि
कोई चीज आपको बिल्कुल, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर एक बॉक्स है, इसके अंदर फिर एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को देख के आपको लगता है ये हाई लेवल इसकी चीज है, कोई हाई लेवल ऊपर से आप देख रहे हैं, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लेवल से देख रहे हैं, ये उसकी इंटरनल डिटेल है, फिर ये उसकी और इंटरनल डिटेल है। तो अगर आप ऊपर लेवल से देख रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, ये एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, कि आप बिल्कुल कोई हाई ऐसे लेवल पे देख रहे हैं चीज कि आपको इंटरनल डिटेल्स नहीं पता, ठीक है, इंटरनल डिटेल्स का बिल्कुल भी नहीं पता कि इंटरनल डिटेल्स इसकी क्या है, ठीक है। जब आप थोड़ी सी उसको अनरैप करते हैं इस बॉक्स को, तो आपको पता चलता है कि अच्छा इसमें ये चीजें हो सकती हैं, और बाकी जब आप दोबारा से उसको दोबारा से और अनरैप करते हैं, ज्यादा डिटेल में देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाती है कि अच्छा ये वही चीज है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आपको एक हाई लेवल पिक्चर देती है, ठीक है, जैसे कि आपको ये वाली एक पिक्चर दी है, ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, बताएं ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ अ मॉडल, मॉडल की सर, कार की, कार की, कार की, ये आपको कार लग रही है कि ये कार, समथिंग लाइक कार है, ये क्यों कार है कि ये इसमें दो पहिए होते हैं, दो पहिए नजर आ रहे हैं, ठीक है, और पहिए से आगे ऊपर इस तरह से इसकी बॉडी होती है, ठीक है, और यहाँ पे चूंकि उसकी यहाँ पे विंडो होती है, ठीक है, तो इस तरह से कार जो है वो नजर आ रही है आपको, तो ये कार का नमूना है, कार का खाका है, कार की रिप्रेजेंटेशन है, कार की एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मॉडल, मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग, एक्सक्यूज मी मैं एक मिनट बात करता हूं। क्या करूं यार इसका, ओके, सो मॉडल फिर क्या हुआ, मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन, मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, ठीक है, उसको हम कहेंगे मॉडल। तो मॉडल की आपको समझ आ गई, मॉडल क्या होता है। Yes, तो इस तरह से हम अगर कंप्यूटर के मॉडल की बात करें, ठीक है, हमने जो बात करनी है, हमने कंप्यूटेशनल मॉडल्स की बात करनी है, ठीक है, तो कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, उसके मॉडल की बात करनी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, तो एट द एंड जो लास्ट मॉडल हम डिस्कस करेंगे ना, ट्यूरिंग मशीन, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम दिया जाएगा, हम उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं ना, समझ लें उसके लिए हम एल्गोरिथम बना सकते हैं, और जिसके लिए हम एल्गोरिथम बना सकते हैं, इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्वेबल है, उसको हम सॉल्वेबल का मतलब ये है, उसको हम यूजिंग कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हैं। सर ट्यूरिंग क्या होता है? वो एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट था, उसने ये वाला मॉडल प्रपोज किया था, एलन ट्यूरिंग, उसके नाम पे ये ट्यूरिंग मॉडल है, ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग जो है वो एक साइंटिस्ट था, ओके सर, उसने ये मॉडल डिजाइन किया था, तो उसने अपने नेम पे ये ट्यूरिंग मशीन का मॉडल जो है वो प्रपोज किया था। तो इस पूरे कोर्स में हमने क्या करना है, कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डिस्कस करना है। कंप्यूटेशनल मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, और कंप्यूटेशनल मॉडल का मतलब यह है कि वो प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर का मॉडल होगा, कंप्यूटर का डिजाइन होगा, कंप्यूटर की एब्स्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, और हमने उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके लिए, इस कोर्स के लिए एक प्री रैक है इसके लिए हमारे पास सेट थ्योरी। अगर आपको सेट थ्योरी आती होगी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है,
और उनको डिफाइन करना है, मैथमेटिकली डिफाइन करना है हमने। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है उसको हमने दोबारा से मैं उसको डिफाइन करता हूँ, रीडिफाइन करता हूँ कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा डील्स विथ डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स deals with definitions and properties of various computational models using mathematical characteristics. तो इसमें हमने mathematical characteristics जो हैं उसको use करते हुए हमने इन कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डिफाइन भी करना है और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस भी करना है। तो मैथमेटिक्स, जब हम मैथमेटिक्स की बात करें तो सेट थ्योरी जो है वो एक मैथमेटिक्स की एक कह लें कि सब ब्रांच है। तो आपको सेट थ्योरी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। सेट थ्योरी में क्या है, सेट थ्योरी में यह है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है, तो आपको उनका यूनियन का पता होना चाहिए, यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस का पता होना चाहिए, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, पावर सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, किसी को पता पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, पता है सब किसी को, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये क्लास 10 की बातें कर रहा हूँ मैं। तो डिस्क्रीट मैथ में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी की सारी जो थ्योरी ऑफ सेट थ्योरी है ये इसका प्री रैक है, इस कोर्स का जो प्री रैक है वो बेसिकली डिस्क्रीट मैथ है। तो डिस्क्रीट मैथ में, अब डिस्क्रीट मैथ में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें जो मेजर जो चीज़ है वो सेट थ्योरी है, ठीक है, जो कि इसका प्री रैक है। उसके बाद आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स पढ़ते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद एक कोर्स है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो कोर्स है वो इसका पोस्ट रैक है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का प्री रैक ये है, डिस्क्रीट मैथ प्री रिक्विजिट, और ये इसका जो पोस्ट रैक है वो ये है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तो अगर आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स पढ़ना है अच्छे तरीके से तो आपको थोड़ा बहुत सेट थ्योरी का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, और अगर आप ये अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में बहुत फायदा होगा। अगर आपका इसमें अच्छा ग्रेड आ गया, फाइव मार्क्स में अगर आपका ए ग्रेड आ गया तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका इसमें भी ए माइनस ए ग्रेड आ सकता है। लेकिन अगर आपका इसमें ही बी ग्रेड आया तो कभी भी आपका यहाँ पे ए या ए माइनस नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें फिर आप यही सोचें कि आपका बी या बी माइनस आएगा, इसमें ए ग्रेड आपका कम ही आएगा। तो जितनी मेहनत आप इसमें कर लेंगे आपको इसका फायदा होगा इस वाले कोर्स में। तो जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स पढ़ना होता है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो मोहम्मद यकूब आप बताएं जरा समराइज करके कि आज हमने क्या डिस्कस किया है, समरी में बताएं आज लेक्चर की, आज के लेक्चर की समरी बताएं। सर सबसे पहले हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन की है, उसके बाद सर हमने मॉडल्स देखे हैं और फिर उसके अंदर कंप्यूटेशनल मॉडल देखे हैं। वो सारे कंप्यूटेशनल मॉडल्स ही थे। यस सर। अच्छा, सर वो मॉडल्स की भी डिफाइन की थी ना सर आपने उधर, वो ड्रा करके उसके बाद वो कंप्यूटर मॉडल को फिर डिफाइन किया, मॉडल को बताया कि मॉडल होता क्या है। यस सर। तो अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। अब्दुल्ला नीक, अबू बकर, प्रेजेंट, अहमद सलमान, अहमद फयाज, फैसल सरवर, प्रेजेंट सर, हमजा मसूद, प्रेजेंट सर, हमजा शकील, खुरम दिलदार, माजेब,
मलाइका अजीज, मुईज इरफान, प्रेजेंट सर, मोहम्मद अरसलान, प्रेजेंट सर, मोहम्मद हमाद सरवर, यस सर, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद मुईन, प्रेजेंट सर, ओके, मोहम्मद साद, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद याकूब, सर मोहम्मद हमजा प्रेजेंट है सर, वो मुनीब अहमद सर, मलाइका अजीज प्रेजेंट, मुनीब अहमद प्रेजेंट, मुनीब अहमद, मुनीब अहमद प्रेजेंट है सर, मुनीब अहमद किधर है मुझे तो नजर नहीं आ रहा सर, मैं इधर ही हूँ। अच्छा, रेहान सलाहुद्दीन सर, मोहम्मद हमजा प्रेजेंट है, मुझे अटेंडेंस पहले मार्क करने थे जिनके मैंने बोल रहा हूँ ना, मेरे उनकी अटेंडेंस मार्क करने थे, दरमियान में इंटरप्ट ना करें। रियान आप आपने लेक्चर लिया ये? जी सर। जरा डेफिनेशन बताएं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की। सर ऑटोमेटा आपने बताया कि मशीन है, ठीक है, और उसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे, वो हम सर कंप्यूटेशनल मॉडल से पढ़ेंगे, और कंप्यूटेशनल मॉडल से हम सर डिफाइन करेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, फिर आपने सर वो सारे मॉडल्स बताए वगैरह। ओके, रोहान अफजल, समीर वाहिद, शाहजेब, उसामा मुनव्वर, वकार अहमद, यस सर। तो अब आप बताएं कि जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी वो मुझे बताएं, किसकी अटेंडेंस नहीं लगी? सर मेरी नहीं लगी, मोहम्मद हमजा, मैं क्यों एब्सेंट हो जाता हूं? शाहजेब लगी। किधर से बताएं, शुरू से बताएं? सर मोहम्मद हमजा। अब्दुल्ला नीक आप कहां जाते हो दोबारा? सर वो इंटरनेट इशू कर रहा है, सो ऐसे ना मेरी इंटरनेट इशू कैसे सॉल्व होगा, इंटरनेट इशू कैसे रिजॉल्व होगा सर? वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हो जाएगा। अहमद सलमान नहीं है, अहमद फयाज मलिक, ओके, हमजा शकील, पुरम दिलदार, महाजेब, मलाइका अजीज प्रेजेंट। मलाइका अजीज आप बताएं कि आपने आज क्या पढ़ा है? सर मैं लेट आई थी। नहीं तो इसका क्या मतलब हुआ, अगली नेक्स्ट क्लास में आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी अगर आपने प्रॉपर लेक्चर ना लिया तो। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा आप बताएं कि आज हमने लेक्चर में क्या पढ़ा है? प्रेजेंट सर। सर आज हमने डेफिनेशन ऑफ अपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ा है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि वो डील्स करता है, डील करता है डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज के साथ वेरियस कंप्यूटर्स की, और उसके अलावा हमने मॉडल्स पढ़े। कंप्यूटर्स की डेफिनेशंस को डिस्कस करता है ये, कंप्यूटेशनल मॉडल्स को? नो सर, वेरियस कंप्यूटर्स मॉडल्स को, कंप्यूटेशनल मॉडल्स को, वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स की प्रॉपर्टीज को हमने डिफाइन करने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। मोहम्मद उसामा, उसामा आप कहां गए थे? उसामा आप इधर ही हैं? चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वहां से हमारा फॉर्मली जो है वो कंप्यूटेशनल मॉडल्स की को डिस्कस करेंगे हम, इंशाल्लाह आरी को, रेगुलर एक्सप्रेशन को, इससे उससे पहले हम थोड़ा सा सेट थ्योरी को भी डिस्कस कर लेंगे, तो आप भी देख के आइएगा। तो अगर आपने पहले दो तीन लेक्चर मिस कर दिए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि बाद में आपने उसको पिकअप करना कोर्स को, तो आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा, कोर्स इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, तो जैसे जैसे आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे आपको इस कोर्स में पढ़ने का मजा आएगा, ठीक है? फर्स्ट लेक्चर जो है वो चूंकि वो क्लास नहीं हुई थी, बाद में मुझे लेक्चर ये कोर्स असाइन हुआ था तो वो लेक्चर नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह हम एक लेक्चर जो है वो मेकअप क्लास करेंगे, वो इसी वीक में हम कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा एक दिन पहले कि वो क्लास कब है, ठीक है? जी सर, जी सर। सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी या कैंपस में भी होंगी? सारी की सारी क्लासेस, आपके कोर्स, आपका कोर्स टोटली ऑनलाइन है तो ये टोटली ऑनलाइन कोर्स होगा, इसकी सारी की सारी असेसमेंट्स भी ऑनलाइन होंगी। सर ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी LMS पे? जी रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड हो जाएगी। ठीक हो गया सर।
ठीक है सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।